2024 मारुति स्विफ्ट मारुति सुजुकी ने नई 2024 स्विफ्ट की बुकिंग लेनी शुरू कर दी है। इसे आने वाली 9 मई को लॉन्च किया जा सकता है, लेकिन लॉन्च से पहले ही कार के इंजन स्पेसिफिकेशंस और फ्यूल एफिशिएंसी की जानकारी लीक हो गई है। हालांकि मारुति सुजुकी की ओर से इस संबंध में ना ही कोई जानकारी दी गई है और ना ही लीक हुई जानकारी की पुष्टि की गई है। पिछले साल टोक्यो मोबिलिटी शो में चौथी पीढ़ी की स्विफ्ट का अनवील किया गया था, जिसमें मौजूदा 1.2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन की जगह नया 1.2 लीटर 3 सिलेंडर इंजन देखा गया था। इससे पता चलता है कि नई स्विफ्ट के साथ नया जेड सीरीज 1.2 लीटर 3 सिलेंडर इंजन भारत में डेब्यूट करेगा। लीक हुई जानकारी के आधार पर रिपोर्ट्स के मुताबिक नया 1.2 लीटर इंजन माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से लैस होगा। ये फीचर पाने वाली स्विफ्ट पहली हैचबैक बन जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार 2024 स्विफ्ट 25.72 किलोमीटर लीटर का माइलेज देगी, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि ये माइलेज मैनुअल का है या फिर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का है। स्विफ्ट का इंटरनेशनल मॉडल CVT से लेस है, लेकिन भारतीय बाजार में पुराने मॉडल की तरह अंत मिलने की उम्मीद है। लीक जानकारी के हिसाब से नई स्विफ्ट 3 किलोमीटर लीटर ज्यादा मौजूदा मॉडल से माइलेज देगी, यानी ये ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट है। नया 1.2 लीटर 3 सिलेंडर इंजन 81 पावर और 112 Nm टॉर्क जनरेट कर सकता है। वहीं पुराना 1.2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन 89 पावर और 113 Nm टॉर्क जनरेट करता है, यानी नए स्विफ्ट में 1 कम पावर और 1 Nm कम टॉर्क मिल सकता है। हालांकि इंजन या कार से जुड़ी किसी भी जानकारी की पुष्टि तभी हो पाएगी जब मारुति सुजुकी की तरफ से इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। इसे इसी महीने में 2024 के दूसरे सप्ताह में लॉन्च किया जाना है। इसके लिए तैयारियां जारी हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।